हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट मतलब कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वॉट तो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोजनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन राइट और जब भी रिएक्टेंट है ये उसका पावर अगर जीरो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन राइट गिवन रिएक्शन आर आर गिवस पी मतलब हियर आर इज रिएक्टेंट एंड पी इज प्रोडक्ट राइट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स डिफ्रेंशिएट रेट एक्सप्रेशन इज एज रेट इज इक्वल टू विनो द राइट माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर जीरो राइट मतलब कि प्रपोजनालिटी कॉन्सटेंट अगर प्रपोजनलि का सिंबल अगर हम, हम लोग निकाल देते हैं तो प्रपोजनलिटी कॉन्स्टेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं के राइट अगर कोई भी नंबर का पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा वन आएगा राइट देर फॉर आर जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा वन तो इस स्टेप में के इन टू आर जीरो राइट यहाँ पे आर इज इक्वल टू वन है तो हमें ओनली क्या मिलेगा के तो रेट इज इक्वल टू क्या मिल गया के इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन राइट अब हमें क्या करना है इसको लेना है राइट तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के राइट तो ये डी टी डिवीजन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में या कि माइनस साइन अगर हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया डी आर इज इक्वल टू माइनस के इन टू डी टी राइट अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई राइट हियर I इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं हम t, right? t है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा R is equal to इज इक्वल टू t है, t इज इक्वल टू क्या 0 plus I, कोई भी नंबर या कोई भी किसी भी कांस्टेंट को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा जीरो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो प्लस आई तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा आई चलो तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला आई मिला राइट right? अब यहाँ पे ये आर जीरो क्यों लिखा है तो हम लोग टाइम इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं टी इज इक्वल टू जीरो तो एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स वॉट तो कि इनिशियल टाइम तो इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आर जीरो राइट तो इस इक्वेशन में हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे आर जीरो राइट तो आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के इन जीरो राइट मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा तो आर जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आई तो यहाँ पे आई है तो आई की ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो राइट right? तो ये हमें न्यू इक्वेशन मिल गया सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो अब हम क्या करेंगे concentration, concentration वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे तो ये प्लस इस साइड चला जाएगा तो माइनस राइट right? तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा आर जीरो माइनस आर इज इक्वल टू राइट अब हम लोग क्या करेंगे ये के टी माइनस है तो माइनस है अपोजिट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के टी राइट अब हमें के फाइन करना है रेट कॉन्स्टेंट तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा के इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाई टी राइट तो दिस इज अक्वेशन फॉर अ फो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके चलो नेक्स्ट गिव द ग्राफ ऑफ़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड विच इंफॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम देम राइट हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है और उससे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें ऑब्टेन करना है तो फर्स्ट अ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आर गिव्स पी इज एज अ रेट हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी आर अ इज इक्वल टू के राइट तो रेट इज इक्वल टू हमें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा के राइट एंड रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन राइट वाई बिकॉज इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब आर आर है नहीं राइट right? इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं तो कि इन अ जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन राइट कॉन्सेंट्रेशन उस um, Uh, उस पर डिपेंडेंट नहीं है राइट एंड देर फॉर प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम इज एज अंडर राइट तो यहाँ पे हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का क्या दिया हुआ है देखो ये ग्राफ दिया हुआ है राइट right? पहले कांस्टेंट है देन वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है राइट एंड देन आफ्टर स्टेबल द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट विथ टाइम स्लोप ऑफ ग्राफ इज राइट एंड द लाइन इज पैर टू एक्स एक्स एक्सपे देखो लाइन पेरेक्शन फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन जीरो रिएक्शन इज एज अंडर एंड विच इज अट्रेट लाइन अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखना है राइट तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमें कंपेयर करना है इक्वेशन से राइट right? तो r इज इक्वल टू वाई माइनस के इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू एक्स एंड आर जीरो इज इक्वल टू सी राइट अब हम लोग क्या आ, कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है तो कि द प्लॉट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम राइट तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे y एक्सिस पे टाइम लेंगे हम लोग x एक्सिस पे राइट right? एक चीज़ याद रखना कि वैन वी प्लॉट द ग्राफ तो एट दैट टाइम जो भी इक्वेशन में जो भी टर्म्स है ना वो सब टर्म्स ग्राफ में क्या होनी चाहिए यूज हो जानी चाहिए राइट right? तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और टाइम टी तो आ गया और इक्वेशन में बाकी क्या रहा माइनस के एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो राइट तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन राइट तो ये जो इंटरसेप्ट है तो ये इंटरसेप्ट ये वाला राइट right? तो ये इंटरसेप्ट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन राइट बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास ओनली क्या होते हैं रिएक्टेंट ही होते हैं और वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं राइट right? और प्रोडक्ट ज़ीरो होती है तो ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या है इक्वल टू आर ज़ीरो है राइट right? और हमें जो स्लोप स्लोप मिल रहा है वो स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस के जितनी राइट या तो फिर के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस स्लोप

अनकॉमन है लेकिन स्पेशल कंडीशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है राइट तो सम एंजाइम कैटलिज रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर ऑन मेटल सरफेस आर अ फ्यू

प्लेटिनम कैटालिस राइट एट वन वन थ्री जीरो कैलविन टेम्परेचर तो ओ एन सॉरी एन टू एन एच टू आर फॉर्म राइट एंड इन दिस एंड फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एन एच थ्री जीरो इज इक्वल टू के राइट एन एच थ्री रेस टू जीरो मतलब कि वन हो जाएगा तो रेट इज इक्वल टू क्या हुआ के राइट एंड इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज मतलब कि प्लेटिनम ऑनली एनिस्ट्री के साथ अटैच होगी राइट वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी एंड एट अ हाई प्रेशर द मेटल सर्फेस गेट्स सेचुरेटेड विथ्स गैस मोलिक्यूल्स एंड सो अ फर्दर चेंज इन अ रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ एमोनियम ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटालिस्ट मेकिंग अ रेट ऑफ रिएक्शंस

इज अनदर एग्जल ऑफ अर्डर रिएक्शन ओके नेक्स्ट वॉट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा रेट इज प्रपोजनल टू प्रपोजनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टन मतलब की जो हमारा रिएक्टेंट है उसका पावर क्या होगा वन तो रेट इज इक्वल टू मतलब की आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इन टू आर रेज टू वन राइट और हमें पता है कि क्या होगा माइनस माइनस रेट इज इक्वल टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वन अरे सॉरी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट रेस्ट टू आर वन राइट तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सी अब हम लोग क्या करेंगे ये आर और आर दोनों को सेम साइड ले जाएंगे तो ये वाला आर डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा और के टी न्यूमिटर पार्ट में राइट तो इक्वेशन क्या हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू तो माइनस के इन टू डी टी राइट अब हम क्या लेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड राइट तो एल एन आर इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा राइट तो अब जैसा हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था वैसा ही हम लोग यहाँ पे करेंगे कि टी इज इक्वल टू क्या लेंगे ज़ीरो तो एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर ज़ीरो राइट तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आई और एल एन आर की जगह पे क्या लेना है एल एन आर ज़ीरो तो माइनस के ज़ीरो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या होगा एल एन आर जीरो इज इक्वल टू आई राइट तो अब क्या करेंगे ये ये वाला जो इक्वेशन है उसमें आई यहाँ पे वन नहीं है यहाँ पे आई आएगा तो हम लोग आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो राइट अब के टी को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो

तो वन डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा राइट right? तो देखो मिल गया हमेंट्रेशन ऑफ आर जीरो मतलब इनिशियल राइट एंड कॉन्सनट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आफ्टर समटाइम्स कॉन्सेंट्रेशन राइट इक्वेशन फाइव एंड फाइव बी बहुत सारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर राइट फाइव ए मीन्स वॉट विच रिएक्शन दिस रिएक्शन राइट एंड फाइव बी मीन्स दिस रिएक्शन बोथ इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट द इक्वेशन फाइव ए एंड फाइव बी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ हम हम लोग उसे कौन से फॉर्म में लिख सकते दूसरे अगर ये इक्वेशन एल एन फॉर्म में है हम लोगों को उसे लॉगेरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग राइट ऐसा लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन है उसे हम लोगों को हम लोग ये इक्वेशन को भी लॉगेरिदम फॉर्म में लिख सकते हैं और ये वाला इक्वेशन को भी क्या करेंगे लॉगेरिदम फॉर्म में लिख सकते हैं राइट तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है राइट तो ये क्या है सिक्स ए मतलब कि ये जो सिक्स वाला हमारा रिएक्शन है उसको पहले उन लोगों ने लॉगेरिदम फॉर्म में कन्वर्ट किया देन 5B reaction को राइट right? इसको हम लोग कैसे में कर सकते हैं तो ये एल एन है ना उसकी जगह पे क्या लिखेंगे एल एन right? है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर जीरो राइट और यहां से टू पॉइंट थ्री थ्री और ए, यहाँ से टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री राइट दोनों को अगर हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री राइट तो इक्वेशन क्या हो जाएगा लॉग आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी डिडेड बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री प्लस लॉग आर जीरो राइट अब हम लोग क्या करेंगे ये जो फाइव बी वाला इक्वेशन है उसको हम लो लोग लॉगेरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे के टी राइट तो ये एल है ना उसकी जगह पे टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री तो के इज इक्वल टू 2.303 r राइट तो जीरो हमें इक्वेशन मिल गया रेट का फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट एंड टेकिंग अनदर सॉरी टेकिंग अ एंटीलॉग ऑफ दिस इक्वेशन राइट अगर ये इक्वेशन का हम लोग एंटीलॉग लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर जीरोनस के टी राइट लेकिन हम लोगों को ये वाला इक्वेशन फॉर सम्स राइट सम्स के लिए ये इक्वेशन हमें यूज नहीं करना है ओके okay? हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे या तो सिक्स ए या तो सिक्स बी राइट ये दोनों में से एक इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे राइट नेक्स्ट गिव द ग्राफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया वैसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे राइट right? तो यहाँ पे एल एन फॉर्म में भी ग्राफ प्लॉट किया है और लॉगेरिदम फॉर्म में भी राइट चेंज क्या आएगा स्लोप में अगर एल एन फॉर्म में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के मिलेगा लेकिन अगर हम लोग उसका लॉगरिदम पार्ट ले रहे हैं तो उसका लॉग हमें क्या मिलेगा सॉरी uh, स्लोप हमें क्या मिलेगा माइनस के डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री राइट तो सेम लॉग सॉरी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे जो इंटरसेप्ट है वो हमें क्या मिलेगा uh, आर जीरो मिलेगा राइट right? मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा राइट बोथ द प्लॉट्स आर स्ट्रेट लाइन ऑफ अ नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट मेड ऑन अ वाई एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस पे वो क्या करता है इंटरसेप्ट करता है राइट ऑन द बेस ऑफ अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग आर जीरो डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री मतलब कि टू पॉइंट थ्री जीरो इंटू टी The plot of log R zero divided by R versus t is as a under right. So log R zero divide log concentration of R zero or concentration versus concentration of R. टी के अगेंस्ट अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ हम लोगों को ऐसा मिलेगा राइट तो उसका जो इंटरसेप्ट है तो दिस पॉट प्लॉट डू नॉट फ्रॉम अ इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा और हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है जीरो जीरो तो ये जीरो जीरो क्या इंडिकेट करता है कि वाई एक्स भी, भी जीरो है और एक्स एक्सिस भी क्या है उसकी ज़ीरो है ओके नेक्स्ट डिराइव द इक्वेशन सोइंग द रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन

एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के इन टी वन प्लस एल एन आर जीरो राइट हमारा जो ये इक्वेशन है राइट right? यहाँ पे हम लोग टाइम को टी वन लेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा आर वन राइट और ये आर जीरो क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम राइट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल टाइम पे तो t इज इक्वल टू जीरो तो ये r इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन r जीरो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r जीरो राइट आफ्टर सम टाइम्स या फाइव मिनट या फाइव सेकंड या टेन सेकंड तो वो जो टाइम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे टी वन तो उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा राइट right? uh, uh, जैसे जैसे टाइम पास होगा उस टाइम पे क्या होगा रिएक्ट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट राइट मतलब कि प्रपोजनल प्रपोजन ऑफ रिएक्टेंट राइट right? रिएक्टेंट uh, का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा राइट right? तो टी वन टाइम पे उसका uh, रिएक्टेंट का कॉन्सनट्रेशन क्या हो जाएगा आर वन राइट एंड टी टू टाइम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी टू प्लस एल एन आर जीरो राइट अब हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रेटिंग इक्वेशन सेवन ए फ्रॉम सेवन बी राइट हम लोग सबस्ट्रेट करेंगे ए में से बी को तो हमें क्या मिलेगा एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू अब माइनस है मतलब कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट right? तो क्या हो जाएगा एल एन आर वन अपॉन एल एन आर टू राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है तो क्या मिलेगा तो ये माइनस ये करना है तो माइनस के टी वन प्लस एल एन आर जीरो राइट अब इसमें से इस, इसको माइनस करना है तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस के टी टू राइट माइनस एल एन आर जीरो वाई यहाँ पे माइनस क्यों आया बिकॉज ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो एल एन आर जीरो एल एन आर जीरो कट तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें माइनस के टी वन प्लस के टी के टी टू डन अब यहाँ पे क्या करेंगे के को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन या तो फिर माइनस टी वन प्लस टी टू राइट आप दोनों में से जो भी आपको सूट हो वो आप लोग लिख सकते हैं right? राइट आपको जो इजी लगे टेकिंग अ लॉग

ये वाला जो इक्वेशन है उसमें टी टू माइनस टी वन जो मल्टीप्लीकेशन में वो इस साइड चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला गया सी देन इजी है हाँ, आप लोगों को क्या करना है एक ही इक्वेशन याद रखना है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में जो पूछा हो उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं राइट इन दिस इक्वेशन इफ टी वन इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जीरो एंड आफ्टर टाइम टी राइट टी टू इज इक्वल टू टी देन आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर तो एट दैट टाइम हमें इक्वेशन क्या मिलेगा के इज इक्वल टू वन अपॉन टी वाई वन अपॉन टी बिकॉज टी वन हमारे पास क्या है जीरो राइट तो और टी टू क्या है टी तो टी माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा राइट और आर वन की जगह पे क्या लिखेंगे आर जीरो मतलब कि इनिशियल एंड आर टू की जगह पे क्या लिखना है आर मतलब कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन राइट और इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पे एल एन की जगह पे क्या आ जाएगा टू जीरो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू लॉग राइट उसका भी इसका भी हम लोग क्या प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं right? राइट

Of an unstable nuclei take place by a first order reaction. First reaction is H2 plus I2 plus HI sorry plus I minus right here. Iodine is used as a catalyst, right? Gives H2O plus HIO minus and these HIO minus attached with a further mole of H2O2, right? And converted into H2O plus O2 plus I minus right. N2O5. N2O5 converted into

जब आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होगा राइट तो उसके बाद हम लोग क्या ये चैप्टर का टेस्ट रखेंगे ओके थैंक यू